गिनती है सूर्य की सबसे पहली किरण। सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र ब्रोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। शाम को 7 से 9 बजे तक उम्मीद हेरिटेज रेजिडेंस सोसाइटी के नेतृत्व में डेवलपर के विरुद्ध सुंदरकांड के जरिए अनोखा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सभी सदस्यों ने पटकर विरोध जताया। इस धरने का मुख्य कारण डेवलपर के द्वारा पिछले 17 वर्षों से लगातार करोड़ों रुपये में खरीदे मकानों में मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं मिली और प्रतिबद्ध कार्यों को अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया। वहीं रेजिडेंट द्वारा जमा कराई गई राशि का निजी लाभ के लिए उपयोग लिया जाना था। इस दौरान कॉलोनी के दोनों गेट बंद कर आगमन को प्रतिबंधित किया गया। इस तरह के प्रदर्शन आगे भी भविष्य में मांगे पूर्ण होने तक किए जाएंगे। इस हेरिटेज कॉलोनी में बिजनेस क्लास के अलावा केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व पूर्व न्यायाधीश तक निवास करते हैं। इसको हल्का करवा दे। अच्छा हाँ, आज आपने सुंदरकांड के परेशानी डेवलपर के साथ बहुत है साहब। कॉलोनी की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, वो मानते ही नहीं है, सुनते नहीं है, मिलने को भी तैयार नहीं है। सड़कें टूट गई हैं, बावड़ी में एसटीपी का पानी जाता है, बिजलियां टूटी हुई हैं और सारा हमारा कॉर्पस फंड उनके पास है। ना वो हमको कॉर्पस फंड देते हैं, ना सोसाइटी हमें हैंडओवर करते हैं, ना हमें पानी के नक्शों का पता है। आखिर तक घर के आखिर तक, कॉलोनी के आखिर तक पानी भी नहीं पहुंचता, बिजली भी जगह जगह बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए आज हम लोगों ने ये तय किया कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधी सीधी बात तो सुनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है हमसे, मिलने को तय। खबर जोधपुर से। सोमवार सुबह सर्किट हाउस रोड पर कार और निगम की गाड़ी टकराई। हादसे में कार चकनाचूर हो गई। गनमिनत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार की स्थिति देखकर कोई दहल गया। कार में 2 लोग सवार थे, दोनों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। पुलिस का कहना है कि निगम ड्राइवर व कार चालक में राजीनामा हो गया है। सर्किट हाउस रोड लालजी हैंडीक्राफ्ट के पास एक कार अनियंत्रित होकर नगर निगम सीवरेज की गाड़ी में जा घुसी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उनमें सवार 2 लोगों को मामूली चोट आई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की गंभीरता कार की स्थिति को देखकर लगाई जा सकती है, लेकिन कार सवार बार बार बच गए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार अनियंत्रित हो गई थी, इसके चलते हादसा हुआ। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की। निगम चालक को उदय मंदिर थाने ले जाया गया। उदय मंदिर थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों पार्टी में राजीनामा हो गया है। क्षतिग्रस्त कार क्रेन के माध्यम से हटा दी गई। खबर जोधपुर से। नागरिक सुरक्षा विभाग का 59वां स्थापना दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसागर में मनाया गया। इस अवसर पर प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, युद्ध की स्थिति एवं आपातकाल के समय किस तरह बचाव किया जाता है, उसका कई अलग अलग प्रकार से जीवन प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर स्कूल के कई बच्चे मौजूद थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि ADM सत्यवीर सिंह थे। आप छुपे से नीचे बैठिए, अंगुली का सहारा लीजिए, अंगुली का सहारा लेने के बाद अंगुली
नागरिक सुरक्षा विभाग के 59वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंदर प्राकृतिक आपदा के समय या कोई भी दुर्घटना होने पर कैसे हमारे बहादुर वॉलंटियर्स बचाव करते हैं आम जन का, उनकी सुरक्षा संबंधी उनका प्रशिक्षण भी समय समय पर देते हैं, और उसी संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो संकट के समय जो भी दुर्घटना होती है उसमें बचाव भी बहुत ही कारगर है, और ऐसे समय में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं